आप देख रहे हैं फर्स्ट वन टीवी प्रोग्राम टैलेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ आपका मेजबान मुबशर खान। टैलेंट ऑफ पाकिस्तान में हमारे आज के मेहमान शामीर हसन, जो मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस, सिंगर्स और दुनिया जहान के 150 लोगों की पैरोडी कर सकते हैं, मिमिक्री कर सकते हैं। आइए मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शामीर हसन जी। शामीर हसन। वाह भाई वाह, आपका नाम बहुत प्यारा है जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं लोगों के सामने मिमिक्री करता हूँ और उनको खुश करता हूँ। तो मैं अभी मेरे ख्याल में 7 साल की उम्र से मिमिक्री करता आ रहा हूँ। तो जितनी मेरी इंस्पायरेशन है, जितने भी लोग मुझे देखते हैं, तो उनको देख के एक अच्छा टाइम स्पेंड होता है मेरे साथ। अच्छा, आप ये बताइए जी कि आप इतने छोटी उम्र से मिमिक्री कर रहे हैं और 150, ये तो आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। जी जी बिल्कुल। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ पे मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत पे जब आपको लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तो वो एक मुस्कुराहट ही एक आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब कोई बंदा मेरी तरफ से खुश हो जाता है। शामीर हसन एक बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, जानते हैं वो कौन कौन सी आवाज़ें हैं ये जो शामीर हसन जिन सिंगर्स की आवाज़ में हमें गाना सुना सकते हैं? शामीर, वो कौन से सिंगर हैं जिनको आप बहुत अच्छी पैरोडी कर सकते हैं, जिनकी मिमिक्री कर सकते हैं? जी, सबसे पहले मैं जब मिमिक्री करना शुरू करी थी तो सिंगिंग में जो अच्छे लगते थे वो हैं अमजद साबरी साहब। उन्हीं की मैं कवालियाँ सुन सुन के मैं बहुत बचपन से सुनता आ रहा हूँ। तो वो अब कानों में इस तरह बैठी है कि वो जुबान पे आ जरूर, वो का तो मैं उनको ट्रिब्यूट देना चाहूँगा। पैरोडी नहीं है, एक ट्रिब्यूट है उनके लिए। बड़ो झोली मेरी या मोहम्मद, बड़ो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट घर महीना जाऊंगा खाली। जानता है ना तू क्या है दिल में मेरे, बिन सुने गिन रहा है ना तू धड़कने। आह निकली है तो चांद तक जाएगी, मेरी आंखों से आज जुआएगी। जब तलक तू सुनेगा न दिल की दर्द, तेरे ना जाएंगे खाली। अल्लाह वाह वाह, अल्लाह अल्लाह, वाह जी वाह। और उसके अलावा आतिफ असलम से आपसे आप उनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत, उनकी आवाज़ में गाना सुनाते हैं, वो क्या है? जी, वो आतिफ असलम का मैं बहुत बड़ा फैन होती हूँ, मैं उनके लिए गाना गाना चाहता हूँ। पहले तो आतिफ असलम से आप बात करेंगे तो उनका बात करने का भी एक बड़ा काम रहता है उनका। मुझे भी खुशी होती है जब मैं चाहें कि बात करता हूँ, और जिस तरह का आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। खैर, मैं गाना गाती हूँ आपके लिए। जाने कब से उम्मीदें कुछ बाकी हैं, मुझे फिर भी तेरी क्यों आती है न जाने कब से। दूर जितना भी तुम मुझसे, पास तेरे मैं अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। ओह ग्रेट, बहुत जबरदस्त, वेरी नाइस। इसके अलावा आप कौन से सिंगर को बहुत अच्छे तरीके से गा सकते हैं? अच्छा जी, अभी एक सिंगर हैं, वो हैं अबरार उल हक साहब। तो अबरार उल हक के साथ जो है वो इमरान खान हमेशा उनके साथ रहते हैं, तो हर जगह लेके जाते हैं इमरान खान अबरार उल हक साहब को। अब देखिए, मैं बड़ा जबरदस्त सिंगर लाया हूँ, ये आतिफ असलम है, ये अबरार सुने, अबरार सुने, और सुनो जा। जितना भी इमरान खान जितना दजियां च माता पै पार पेटना, ओए जितना भी कप्तान खान जितना दुजियां च मत पैं पाल पिटना, जित जावे साडी तहरीक वे अज मेरा जी करदा है। कप्तान हाद जल सेने अज मेरा नचणे दा जी करदा, कप्तान हाद जल सेने अज मेरा नचणे दा जी करदा। ओ बस इतना ही पहन दिया था, 200 में 300 का काम ना करा करो। इसके अलावा आप हमसाया ममालिक के कौन से अदाकार और गुलूकारों के साथ आपकी जो मिमिक्री है जो बहुत अच्छी तरीके से आप करते हैं, उनके बारे में बताइए। अमिताभ बच्चन, उसके अलावा सिंगर्स में कुमार सानू जी, और उदित नारायण। अच्छा, और इसके अलावा एसपी बाला हैं,
और बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं, सोनू निगम भी हो गए, तो ऐसे जिनसे को मैं सुनता रहता हूँ उनकी कॉपी आती है मुझे। और बाकी जितने एक्टर्स हैं और पॉलिटिशियंस हैं वहाँ पे भी मैं बहुत ज़्यादा अच्छी मिमिक्री कर लेता हूँ उनकी। तो मैं शुरू करूँगा उनकी अमिताभ बच्चन से, तो फिर उनके साथ जितने भी सिंगर हैं वो भी आएंगे, क्योंकि अमिताभ बच्चन भी सिंगिंग करते हैं। अरे डैडी, ये आपकी दौलत या आपकी शहरत मेरे किसी काम की नहीं। डैडी, आप ये दौलत और शहरत को लाकर किसी किसी जगह जाके फेंक दीजिए, किसी कूड़ेदान में फेंक दीजिए, क्योंकि जो जो दौलत एक बाप और बेटे के रिश्ते को खत्म कर दे, दूरियां बढ़ा दे, वो दौलत किसी काम की नहीं रहती। और आज मैं इतना इतना गम गमजदा होकर एक छोटा सा गाना गाता चलूंगा। चले चले फिर चले 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 इश्क की हवा चले, अपने दिल भर को दीवाना, अपने दिल भर को दीवाना ढूंढता है गली गली। चले चले फिर चले 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 इश्क की हवा चले। इसके अलावा है हमारे पास कुमार सानू, जिनके 2-3 हजार ज्यादा एल्बम है, और उदित नारायण भी उनके साथ आते हैं। तो पहले कुमार सानू फिर उदित नारायण करते हैं। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। और उदित नारायण अब हमारे साथ आते हैं। तो चीज बड़ी है मस्त मस्त, तो चीज बड़ी है मस्त, तो चीज बड़ी है मस्त मस्त, तो चीज बड़ी है मस्त, नहीं तुझको कोई होश होश, नहीं तुझको कोई होश होश, उस पन जो पन का दोष दोष नहीं तेरा, नहीं तेरा कोई दोष दोष, मत होश है तू हर वक्त वक्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। इसके अलावा हमारे साथ सोनू निगम और एसपी बाला भी हैं, जिनका एक पहला बड़ा गाना है उनका, वो पहला पहला प्यार है सलमान खान की फिल्म का। पहला पहला प्यार है, पहले पहले मर है, जाने के भी अनजाना ऐसा मेरा यार है। हो पहला पहला प्यार है, पहले पहले मर है,